प्रियंका गांधी इस वक्त अमेठी में एक रैली कर रही हैं, आइए सीधे आपको ले चलते हैं। यहाँ की उपज और यहाँ के व्यापार का जो सामान है वो यहाँ से सीधा देश भर में जा सकता था, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे कार्गो टर्मिनल खुलवाया। तो ये सब चीजें हैं जो उन्होंने एक दूरदर्शी सोच की वजह से क्षेत्र में कराई, जिससे आपका बहुत लाभ होगा और 30-35 साल बाद भी आपके बच्चों आगे वाली पुस्तकों का भी लाभ हो सकता है। यहाँ पे मेरी परियोजना की बहनें होंगी, है दिखाइए कितनी है, सब ये भी राहुल जी का कार्यक्रम है। इसमें राहुल जी ने आपको एक रास्ता दिखाया, आपको ये तो नहीं कहा कि मैं समूह बनाऊंगा, कि मैं बचत कराऊंगा तुम्हारी, ये भी नहीं कहा कि मैं बैंक के खाते खोलूंगा आपके लिए। आपको रास्ता दिखाया कि आप इस तरह से अगर करेंगे आप सशक्त बन सकते हैं। और इस कार्यक्रम के जरिए आज 12 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। 12 लाख आप जैसी बहनें हैं जिनके जीवन में बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। आया है कि नहीं परिवर्तन? आया है तुम्हारे में, तुम्हारे जीवन में आया? इसके अलावा हर ब्लॉक में एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी खोला गया है, क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय भी खोला और एक नवोदय विद्यालय भी खोला। बैंक 195 बैंक खुले हैं, जिसमें से 66 बैंक पिछले 1.5 साल में खुले। राहुल जी ने यह भी सोचा कि क्षेत्र को देश से जोड़ा कैसे जाए, ताकि यहाँ से यातायात सरलता से हो और आपका जो उपज है, व्यापार है, वो बढ़े और उसको देश भर में पहुंचने में आसानी हो। तो उन्होंने एक नेशनल हाईवे का जाल बिछाया है इस क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में 7 नेशनल हाईवे हैं, ऐसा शायद कोई क्षेत्र नहीं होगा देश में जिसमें इतने सारे हाईवे जिससे गुजरते हैं। जहां तक ट्रेनों की सुविधा है वो बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। यहाँ इंटरसिटी, डेमो, मेमो, एक्सप्रेस ट्रेन सब आपके क्षेत्र से गुजर रहे हैं। 20 नई ट्रेनें शुरू हुई है और 14 नए स्टॉप, और उसके साथ साथ जायस और अमेठी के स्टेशन को भी उन्होंने अपग्रेड कराया है। तो ये सब काम राहुल जी ने कराए हैं। अब आपको ये सोचना होगा और समझना होगा कि किस नियत से कराए हैं, और जो अलग अलग पार्टी के लोग आपके सामने आते हैं प्रचार करने के लिए, जो उनकी आलोचना करने के लिए आते हैं, तो आपको उनकी नियत भी समझनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि आप बहुत समझदार हैं, आप में बहुत विवेक है, मुझसे अच्छी तरह से आप जानते हैं कि कौन सच्चे दिल से आपके लिए काम करना चाहता है, कौन ईमानदारी से करता है और कौन यहाँ पे कुछ दूसरी मंशा लेके आया है। आपको मालूम है अच्छी तरह से कि राजीव के साथ आपका क्या रिश्ता था।